इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश, श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। तो देवाधिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय, परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय, नमोस्तु गुरुदेव। आज का हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। प्रायः लोगों को अपनी आलोचना हजम नहीं हो पाती, लोग औरों की आलोचना में मशगूल रहते हैं, लेकिन जब खुद की आलोचना होने लगती है तो अंदर से उथल पुथल होने लगती है, बौखलाहट, खीज या क्षोभ प्रकट होने लगते हैं। गुरुदेव का कहना है कि आलोचना को पचाना सीखो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो देखो कि जो आलोचना की जा रही है वो सही है या गलत। सही है तो जिस विषय की आलोचना है उसे सुधारो, और गलत है तो उसे अनदेखा करो। अगर तुम्हारे पास दृष्टि हो तो अपनी आलोचना से भी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और दृष्टि नहीं है तो आलोचना सुन करके व्यथित और विचलित भी हो सकते हो। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। आलोचना करना, आलोचना सुनना, आलोचना सहना और आलोचना का प्रतिकार करना, आलोचना से प्रभावित होना। पहले 2 बातों में लोग बड़े आगे हैं, 3rd-4th बात भी लोगों को बड़ी लोगों में पाई जाती है, जो 3री बात है वो बहुत कम लोगों में है। सबसे पहली बात आलोचना करने की, अपने मन से पूछो तुम्हारे मन में औरों की आलोचना के प्रति कितनी रुचि है। बुराई करने में रस आता है, पर निंदा को बड़ा निंद कर्म कहा गया है। लेकिन लोग हैं ज्यादातर, उन्हें आलोचना में बड़ा रस आता है, चाहे जिसकी बुराई
मैं देखता हूँ मेरे संपर्क में बहुत लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी की बुराई ही करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुख से कभी किसी की बुराई सुनने को नहीं मिलता। मैं जब मेरे संपर्क में लोग आते हैं तो उसी के आधार पर उन्हें नंबर देता हूं, बोलता कुछ नहीं लेकिन आकलन कर लेता हूं। जिसकी सोच नकारात्मक होती है, जिसका व्यक्तित्व उथला और हल्का होता है, जिसके अंदर खुद बुराइयां भरी होती है, उसे सब बुरे दिखते हैं और वह केवल बुराई करने में ही अपनी शक्ति लगाता है। ऐसे आदमी भरोसे के नहीं होते। और जो व्यक्ति सकारात्मक सोच का धनी होता है, जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है, चिंतन विशाल होता है, वो व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता, अपितु बुराई में भी अच्छाई खोजने की कोशिश करता है। देखना यह है कि मैं कहाँ हूं, मेरा स्थान कहाँ है। बुराई में या अच्छाई में, आलोचना में या आत्मालोचन में, औरों की आलोचना करके तुम्हें क्या मिलेगा, पहला सवाल। औरों की बुराई करके तुम क्या पाओगे, विचारने की बात है। क्यों किसी की बुराई की आदत डालें? गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन पर निंदा में बड़ी प्रगाढ़ रुचि होती है। और आपने देखा बुराई किसी की करते हैं, जिससे प्रेम होता है या जिससे द्वेष होता है। दरअसल ईर्ष्या बुराई की जड़ है, अहमन्यता ईर्ष्या को उत्पन्न करती है। तो जो व्यक्ति अहमन्य होता है वो ईर्ष्यालु होता है, और जिसमें अहमन्यता और ईर्ष्या के दोष भरे होते हैं वो सबको दूषित दृष्टि से देखता है। उसका एक ही काम है, सभी का की बुराई करना। अहमन्यता क्या है? मैं ही सबसे बड़ा हूं, जो कुछ हूं सो मैं हूं। ऐसा व्यक्ति अपने आगे किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब कोई दूसरा आगे होने को होता है तो वो उसे नीचे लाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। फिर वो बुराई करना शुरू करता है, और ऐसा व्यक्ति इस बुरे कार्य से खुद का पतन पक्के तौर पर कर लेता है। मन का विश्लेषण करना, मुझे किसी की बुराई नहीं करना। कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे। थोड़ा दोहरा के बोलो, किसको सुना रहे? मुझसे बुरा ना, कह दे कि तुम सबसे बुरे आदमी हो, बुरा लगेगा? महाराज आप अभी कहोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन किसी और के मार्फत घूम के बात आएगी कि महाराज कह रहे थे कि ये सबसे बुरा आदमी है, तो दिल टूटेगा, है ना? है, चिंता मत करना, मैं कहूंगा नहीं।
लेकिन एक तरफ हम कह रहे जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, और एक तरफ कोई बुरा कह दे तो बौखलाहट क्यों। बात समझने की है। लोग दूसरों की बुराई करते हैं इसलिए कि मैं अपने आप को उससे श्रेष्ठ या बेहतर साबित करूं, मैं उसको अपने आप को उससे श्रेष्ठ या बेहतर साबित कर सकूं, यही सोच है ना। संत कहते यह सोच बदल देने की है। किसी की बुराई कभी करो मत। एक दिन हम जब ब्रह्मचारी थे, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी आचार्य महाराज से एक दूसरे ब्रह्मचारी की निंदा कर रहा था, शिकायत कर रहा था। गुरुदेव ने छूटते ही कहा अपनी आलोचना करो, दूसरे के घर में बुहारी लगाने से अपने घर का कचरा नहीं मिटता। दूसरे के घर में बुहारी लगाने से अपने घर का कचरा नहीं मिटता। बात समझ में आ रही। किसी और की आलोचना करके तुम क्या पाओगे। विडंबना यह है कि लोग दूसरों की आलोचना में जितनी शक्ति लगाते हैं, यदि उतनी शक्ति अपनी आत्मालोचन में कर दे तो जीवन बदल जाए। लेकिन एक उक्ति आती है, स्वदोषे इभिनिमीलिन, अपने दोषों के लिए हाथी की तरह आंख मूंद लेते हैं। हाथी का शरीर इतना बड़ा, आंखें छोटी, समझ गए। तो हाथी की तरह आंख मूंद लो, आंख मूंदने से क्या होगा। बुराई करना एक बुरी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से बचिए। हमारा जीवन बड़ा मूल्यवान है, कीमती है, हम अपने जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करें, अपने समय और शक्ति को सही दिशा में लगाएं। किसी की निंदा बुराई करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आजकल तो लोग निंदा पुराने ही रचते रहते हैं। अब पहले तो बुराई के लिए आदमी ढूंढना पड़ता था कि कोई सुनने वाला हो, अब तो किसी को खोजने की भी जरूरत नहीं, एक पोस्ट बनाओ और डाल दो, है ना, हवा देते रहो। ये बुराई फैलाने की जो प्रवृत्ति है, कितनी खराब है, कभी आपने इस पर विचार किया। तय करो कि सुबह से शाम तक मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। अभी चातुर्मास में कई लोगों ने नियम लिया, एक ने तो यह नियम लिया कि महाराज किसी की बुराई पूरे चातुर्मास नहीं करूंगा, और किसी की बुराई हुई तो 100 रुपये की पेनल्टी डालूंगा। 100 रुपये की पेनल्टी डालूंगा, ये सोच अपने अंदर विकसित कीजिए। तो पहली बात, आलोचना करना। मैं मान लूं यहां कोई आलोचक नहीं है, सब आत्मालोचक है, मान लूं, बोलो मैं तो आपकी बुराई करूंगा नहीं, मैं तो आपकी अच्छाई देखूंगा, तो ये मान लेता हूं यहां जितने हैं सब आत्मालोचक हैं। बोलो तो मान लूं, दम से तो बोलो, मान ले, बस जैसा मैं मानूं वैसा दिखे और तुम हमारी बात मानो तो जीवन में प्रसन्नता है। वो आत्मालोचन की दृष्टि हो, बुराई करना नहीं है, आलोचना किसी की नहीं करना। लोग नमक मिर्च लगा के प्रस्तुत करते हैं, दूसरा आलोचना सुनना। करना जितना खतरनाक है उतना सुनना भी। और देखिए अपनी मनोवृत्ति को,
किसी की अच्छाई की बात अगर सुनने में आती है तो भले उस पर तत्काल भरोसा न हो, उसे सत्यापित करने के लिए दो चार से पूछताछ करो। लेकिन किसी की बुराई की बात आए, अरे हाँ देख लो मैंने सुना उसके लिए वो व्हाट्सएप में आया, क्या हो गया? अरे मुश्किल है, सुगंध धीरे धीरे फैलती है, धुआं बड़ी तेजी से उड़ता है। और आज दुनिया में सुगंध फैलाने वाले लोग कम हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग ज्यादा। तो भैया बहुत प्रदूषण है, क्यों धुआं उड़ाते हो? और प्रदूषण क्यों करोगे? ध्यान रखना, जो भी धुआं उड़ाएगा घुटन तो उसको भी महसूस करनी पड़ेगी, आगे पीछे तो घुटेगा। तो आलोचना करना नहीं, आलोचना सुनना नहीं। और एक बात बोलूं, आलोचक से बच के रहना। आज वो तुम्हारे पास किसी दूसरे की बुराई करने आया है तो समझना ये खतरनाक वायरस है। समझ रहे हैं? अभी वायरस का खेल तो देख ही रहे। वो तुम्हारे पास दूसरों की आलोचना कर रहा है तो तय मान करके चलना, दूसरों के पास जाकर तुम्हारी आलोचना किए बिना नहीं रहेगा। वो तुम्हारी आलोचना करेगा, बेशक करेगा, क्योंकि वह उसकी प्रवृत्ति है। ऐसा व्यक्ति यदि कभी तुम्हारे पास किसी की बुराई की शुरुआत करे, हाथ जोड़ लो, भैया काम की बात करो, मुझे और दूसरा काम है, आप अपनी या मेरी कोई बात है तो करो, इतना मेरे पास समय नहीं कि मैं दूसरों की आधारहीन बातों में या प्रयोजनहीन बातों में रस लूं। कर सकते हैं आप? कोई बुराई करने की बात शुरू करे तुरंत उस पर फुल स्टॉप लगाओ। अच्छा भैया बताओ बताओ, खोद खोद के पूछने की इच्छा होती है, खोद खोद के पूछने की इच्छा होती है। ये हमारी मनोवृत्ति को उजागर करता है। क्यों खोदूं? गंदगी में हाथ क्यों डालूं? हाथ गंदे होंगे। वो बुराई कर रहा है यानी गंदगी उगल रहा है। हम अपने अंदर उसके लिए प्रवेश क्यों करें? ऐसी हमारे भीतर ढेर सारी नकारात्मकताएं हैं, एक नकारात्मकता को और क्यों बढ़ाऊं? ये सोच होनी चाहिए ना। तुरंत 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 नहीं, इसे पचाइए। ईर्ष्या भाव कम कीजिए, प्रेम भाव बढ़ाइए, निज पर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। देखिए कुछ लोगों का धंधा कैसा होता है। तीन भाइयों का एक परिवार, भाइयों में प्रेम और बहुओं में भी अपार प्रेम, तीनों बहुएं बहुओं की भांति न रहकर, देवरानी जेठानी की भांति न रहकर के बहनों की भांति रहती थी। आज का युग बड़ा बुरा है। अब बुरा नहीं कहूं, आज के युग की विशेषता है, विशेषता ही कहूं, किसी की अच्छाई नहीं देख पाते। एक बहन जी ने सबसे छोटी बहू को भड़काते हुए कहा कि आपकी जो सबसे बड़ी जेठानी है वो आपके बारे में ऐसा कह रही थी वैसा कह रही थी, कई बातें उसने जोड़ी। कह रही थी कि देखो ना, अभी मायके से एक हीरे की चूड़ी लेके आई है, सबको दिखाते फिरती है, उसको बड़ा घमंड है अपने मायके का, थोड़ा पैसा क्या पा लिया, अपने ही सब कुछ करती, आपकी बड़ी बुराई कह रही थी। चुपचाप से उसने सुना, पूरी बात सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी। अच्छा,
ये बड़ी दीदी ने कहा, हाँ आपसे कहा, हाँ हाथ पकड़ा और सीधे अपनी जेठानी के पास ले गई। बोलो क्या बोल रही थी दीदी? अब क्या, वहां तो सांप सूंघने लगा, सामने लाके खड़ा कर दिया। बोलो दीदी क्या बोल रही थी? अब वो बोले तो क्या बोले, वहां तो सांप सूंघ रहा है। नहीं 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 नहीं, और कोई बात मैंने किसी से सुना था दीदी, माफ करना। उसने तुरंत कहा, आज से संकल्प लो किसी के घर में आग लगाने का धंधा नहीं करेंगे। किसी के घर में आग लगाने का धंधा बंद करो। मुझे मालूम था कि मेरी दीदी ऐसी हल्की सोच रखती नहीं, वो सपने में नहीं बोल सकती, पर तुम्हें नसीहत देने का मुझे इससे अच्छा रास्ता नहीं दिखा। तुम जैसे लोगों के कारण ही लोगों के घर फूटते हैं। कान भरने की आदत, भड़काने की आदत, उकसाने की आदत, ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है, और ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना करके रहना चाहिए। बुराई करना नहीं तो बुराई सुनना भी नहीं, सुनना भी उसकी अनुमोदना करना है। आप लोग रोज पूजन करते हो, पूजा के बाद भगवान से कुछ प्रार्थना करते हो, क्या करते हो, क्या प्रार्थना करते हो, बोलो थोड़ा सा बोलो तो। सद्वृत्तों का सुयस कह के दोष ढाकू, क्या बोलते हो, भगवान को सुनाते हो। सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोष वादे च मौनम, दोष प्रकट करने का क्षण आए तो मैं मौन रखूं। सद्वृत्तों का सुयस कह के दोष ढांकूं सभी का, और सबसे ज्यादा निंदा पुराण मंदिरों में वाचा जाता है। बोलो, परस्पर में जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हो, किसी संदर्भ में कोई बातचीत चालू होती है, आपका विषय क्या रहता है? एक दूसरे की निंदा बुराई या एक दूसरे की गुण कथा? कितना कीमती समय बर्बाद करते हैं। प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, दोष वादे च मौनम, दोष ढांकू सभी का, अब बात वही दोषों की शुरुआत, बुराई बुराई बुराई, और कोई नहीं तो कमेटी की बुराई। सहयोग कम, शिकायत ज्यादा, किसी की किसी तरह से व्यक्ति की बुराई करने की ये प्रवृत्ति और बुराई सुनने की प्रवृत्ति गलत है। संकल्प लीजिए कि मैं अगर किसी की बुराई देखूंगा भी तो तब तक उसे औरों तक प्रकट नहीं करूं जब तक कि उससे सार्वजनिक अहित ना हो। उस घड़ी में अगर कोई गलत बात है उसको प्रकट न करने से सार्वजनिक क्षति पहुंचती हो तो आप प्रकट कर सकते हो, लेकिन किसी की व्यक्तिगत दोष और दुर्बलता का ढिंढोरा मैं कभी नहीं पीटूंगा। वो जाने, उसका जीवन जाने, मेरे अंदर 100 कमियां, मैं अपनी कमियां निकालूं कि सामने वाले की, क्या करना है? मुझे अपनी कमी देखनी है, औरों की कमी नहीं। जिसके अंदर ऐसी समझ होती है, ना वो बुराई करता है ना बुराई सुनता है। करने दो, हमें नहीं करना,
और हमें नहीं सुनना। पछती नहीं है किसी किसी को, है ना। और कुछ लोग आदतन ऐसा करते हैं, वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, चाहे घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे जीवन व्यवहार से जुड़े किसी भी क्षेत्र की बात हो। बुराई करके आप कभी प्रगति नहीं कर सकते, अच्छाइयों को अंगीकार करके जीवन की प्रगति की जा सकती है। दृष्टि सही रखिए, बुराई में भी अच्छाई देखने की क्षमता विकसित कीजिए। तब आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो बुराई करना, बुराई सुनना, आलोचना सुनना, आलोचना सहना। मैं आपसे पूछता हूं, आपके मुंह पर यदि कोई आपकी आलोचना करे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलो। आपके मुंह पर अगर कोई आलोचना कर दे तो क्या प्रतिक्रिया होगी? पचा पाओगे या सामने वाले पर बरस पड़ोगे? हाँ, पचा लोगे? नहीं पचेगी। क्या हो गया? कितनी बड़ी दुर्बलता है। किसी ने दो बात कही है और आपने उसे पकड़ ली, पकड़ ली और प्रतिक्रिया दी, अपनी शांति खोई। एक बार एक युवक मेरे पास आया, सामायिक से उठाई था, बहुत पुरानी बात है, बड़ा बौखलाया हुआ था, चेहरा तम तम आया हुआ। बोले क्या बात है, किससे झगड़ कर आया? बोले महाराज आज तो बिल्कुल मूड खराब हो गया। क्या हो गया? बोले महाराज आज भोजन करने जल्दी आ गया तो देखा मेरी धर्मपत्नी फोन से अपने भाई से बात कर रही थी। बोले भाई से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? भाई से तो बात कर रही थी। नहीं महाराज बात वो नहीं है। बोले क्या हुआ? मेरी बुराई कर रही थी। क्या बुराई कर रही थी? बोले बहुत कंजूस है, कुछ ध्यान नहीं देते, कोई टाइम टेबल नहीं है। महाराज बोले कर दी तो कर दी, तुम कंजूसी नहीं रखा करो। उदार महाराज मेरी बुराई उससे करे, मुझसे कहे ना, उससे क्यों करेगी? ठीक है एक दिन हो गया, कुछ हो गया। नहीं महाराज रोज करती होगी। नहीं महाराज रोज करती होगी। हमने कहा रोज तो तू इतने गुस्से में नहीं आए, रोज का धंधा? उसने कहा नहीं महाराज रोज का धंधा है। बोले रोज तो तू मेरे पास नहीं आया, इससे पहले तो नहीं आया, आज पहली बार इतना तमतमा के क्यों आया? बोले महाराज इससे पहले हमने सुना नहीं। हमने कहा यही सोच ले आज भी सुना नहीं। अगर तुम रोज की तरह 5-7 मिनट लेट आते तो ये प्रतिक्रिया होती? तो मैं आपसे पूछता हूं, किसी के द्वारा बुरा कहने से हमारे मन में क्षोभ आता है या हम उसकी बात को ग्रहण करते हैं तब क्षोभ आता है? क्या हुआ? तो क्यों बुरी बात लेते? क्यों आलोचना करे तो इग्नोर करो,
कितनी भी कटु आलोचना हो, हमें उसे सहना चाहिए। देखो गुरुदेव की एक बात बताता हूं, 1987 में नैनागिर में पंचकल्याणा गजरथ महोत्सव हुआ, बहुत बृहद आयोजन हुआ। पहली बार आचार्य महाराज ने आरिका दीक्षा दी, 12 छुल्लक दीक्षा दी, 23 दीक्षाएं, सब अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम में अनेक जगह की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई, उसमें शहडोल के, संभवतः शहडोल की एक मूर्ति पर किसी भक्त ने भावुकतावश विद्या सागर आमनाए लिखवा दिया। क्या लिखा है? विद्या सागर आमनाए। अब फिर क्या था, उसको आधार बनाकर विद्वत परिषद के एक वरिष्ठ विद्वान जो आज इस दुनिया में नहीं है, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उन्होंने एक लेख लिख डाला और उसमें आचार्य महाराज की आलोचना कर दी, कुछ तीखी। १९८८ में जबलपुर में आचार्य महाराज के सानिध्य में विद्वत परिषद का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में वे महानुभाव आए, हम भरे बैठे थे, अब नए नए मुनि थे, 88 की बात है। वो जब मेरे पास आए ने मैंने बुलाया और खूब झाड़ फिलाई, बोले आप जैसे विद्वान को बिना किसी प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी लिए इस तरह का आलेख लिखना शोभा देता है? आपको ये पता करना था आचार्य महाराज ने कोई नई आमनाए तो बनाई नहीं, सबसे पहले आपको उस मूर्ति को देखना था जिसकी मूल प्रतिष्ठा हुई। और ये काम प्रतिष्ठाचार्यों का, आचार्य महाराज का तो है नहीं, क्यों प्रशस्ति देखते फिर है? प्रतिष्ठाचार्य ने प्रशस्ति लिखी, हम लोगों का काम, आचार्य महाराज का काम, संघ का काम तो संस्कार करना है। आपने ये लेख कैसे लिख दिया? फिर उन्होंने कहा महाराज गलती हो गई। क्या बोला? गलती हो गई। हमने कहा जाओ आचार्य महाराज से क्षमा मांगो। बोला महाराज जाऊंगा। उसके बाद मैं छाती फुला के पहुंचा, जैसे बहुत बड़ा गढ़ जीता हूं। गुरुदेव आज मैंने उसकी अच्छे से क्लास ले ली, वो आपके पास क्षमा मांगने आएगा। आपको ऐसा नहीं करना था। ओ हम तो उठ के, समझ लो उठा के फेंक दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग गुरुदेव माफ करो गलती हो गई, अब हमें जो प्रायश्चित देना है दे दो। उन्होंने एक वाक्य कहा, आलोचना करने वालों का काम आलोचना करना है, हम साधु हैं, हमें आलोचना सहना है, ये भी हमारी निर्जरा का कारण है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप बड़ी त्याग तपस्या तो नहीं कर सकते। मैं कहूं उपवास करो, एक आसन करो, लंबी सामाई करो, और कोई त्याग तपस्या करो, तो हर कोई के बस की बात नहीं है, नहीं है ना? नहीं, कर्म की निजरा करना चाहते हो? चाहते हो? कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम बुरा ना मानो तो कर्म की निजरा होगी कि नहीं होगी? बोलो। किसी ने तुम्हारी बुराई की, तुम्हें अपशब्द कहा, गाली दी, और तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, सहन कर लिया, तो पाया कि खोया?
बोलो जोर से तो, पाया ना। और अगर उसने कुछ बोला और उसके साथ बौखला कर उसे चार सुना दिया तो पाया कि खोया? तो क्या करना है, खोना है कि पाना है? हाँ, थोड़ा जोर से, पाना है। कब तक? जब तक इस सभा में है तब तक, बाहर गए तो गए। अपने अंदर की दुर्बलता को हमें दूर करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। और देखो, एक और चीज बताता हूं, किसी ने आपकी बुराई की, आप उससे प्रभावित हुए, उसका असर कितनी देर रहता है? जैसे शांत सरोवर में एक कंकर किसी ने फेंका, एक बलय, फिर दूसरा बलय, फिर तीसरा बलय, फिर चौथा बलय, बलय दर बलय, बलय दर बलय, बलय दर बलय, घूमते घूमते पूरे सरोवर को व्याप्त कर लेता होता है। किसी ने आपकी बुराई की और आप उससे इस कदर प्रभावित हो जाते हैं, अरे मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, ये ठीक नहीं, ऐसा बोल दिया। वो तो एक बार बोला और तुमने कितनी बार? विचार करने की बात केवल इतनी सी है, इग्नोर करोगे, बुराई को, आलोचना को सहने में समर्थ हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन निखर जाएगा। मैंने शुरुआत में बोला था कि यदि कोई तुम्हारी सच्ची आलोचना करता है तो उसे स्वीकार कर अपना सुधार करो। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है, आज का हाइकु यही है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। तो अगर कोई आलोचना कर रहा है और आप अपने लोचन खोल रहे हो तो सुधार किसका होगा, तुम्हारा कि दूसरों का? तो मैं अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता हूं तो अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर तो करना ही पड़ेगा ना, मुझे तो अपना सुधार करना ही पड़ेगा। तो आलोचना सुनो, आलोचना सहो, दूसरों की नहीं, खुद की कोई आलोचना करे सह लो, उसे पचा लो, विचलित मत हो। तो जीवन में मजा है, निर्जरा है, ये एक तपस्या है। सारी अशांति और उद्वेग खत्म आज से। ये दृष्टि अपने भीतर विकसित करो। और चौथी बात, आलोचना से विचलित होना या प्रभावित होना, आलोचना पर प्रतिक्रिया करना। तो कोई तुम्हारी आलोचना करे तुम उसकी उल्टी आलोचना करो, आरोप प्रत्यारोप की भाषा का प्रयोग, ये तो गंदगी फैलाने का रास्ता है। इससे बचिए, प्रभावित मत होइए, प्रतिक्रियाएं मत दीजिए। ठीक है, कर दिया कर दिया। अगर हम आलोचना की प्रतिक्रियाएं करते हैं तो वो मुझे बहुत नीचे ले आएगा। मुझे प्रतिक्रियाएं नहीं करना। कोई कितनी भी आलोचना करे वैसी प्रतिक्रिया मुझे नहीं करना। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना है, अपने आप को सहज रखने की कोशिश करना है। आलोचना की प्रतिक्रिया हो तो सकारात्मक हो। सकारात्मक प्रतिक्रिया क्या है? अरे भाई, मेरी बुराई हो रही है, मुझे अब सजग रहना चाहिए और जो मेरी दो चार कमियां हैं मुझे उसे दूर कर देना चाहिए। ये आलोचना की सकारात्मक प्रतिक्रिया है। और नकारात्मक प्रतिक्रिया
जो बुराई कर रहा है उसका मुंह नोचने की चेष्टा करना, है ना, या उस बुराई के विषय में बार बार विचार कर करके अपने चित्त को उत्तेजित करना, क्षुब्ध करना, ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। नहीं, मुझे इस तरह की प्रतिक्रियाओं से हर हाल में बच के रहना है। एक अच्छे व्यक्ति की ये पहचान है। हमें आज एक ही धारणा अपने मन में बनाना है, मेरे अंदर की आंखें खुले, मैं आलोचना की बुरी प्रवृत्ति से अपने आप को यथासंभव बचाऊं, गुणग्राही बनूं, दोष दृष्टा नहीं। दोषों को फैलाने का काम मेरा नहीं, मुझे तो सबकी अच्छाई को लेते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। ये अगर जग गया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तो आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। बस इस एक 17 अक्षरों के इस एक छोटी सी कविता को याद कर लो, और कोई तुम्हारी आलोचना करे, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। स्वागत करो, कितना करोगे। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। यही तो है, मेरी कोई बुराई ना करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं कोई बुरा कर्म ना करूं ये तो मेरे हाथ में है, है ना। तो किसी से की बुराई से प्रभावित होकर बौखलाना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म, बोलो। बुराई से प्रभावित होकर बौखलाना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म, तो उसको रोकना तुम्हारे बस में नहीं है, खुद को रोकना तो तुम्हारे बस में है ना। महाराज बहुत कठिन है, कठिन केवल उसके लिए है जिसके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट नहीं हुई, जो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो गया, जिसके अंदर अंतर्दृष्टि उद्घाटित हो गई, उसके लिए सब बातें सहज है। और जब ये बातें सहज होगी तभी तुम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ होगे। तो बस आलोचन से लोचन खुले सो स्वागत है। मंगल भावना के साथ यहीं पर विराम। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में,
क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मन का सब संताप मिटे अर अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अर अंतर उज्ज्वल हो, राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश ओ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, चले अमंगल भाव, चले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव, जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश, श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।